सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल थॉमस टेक्निकल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक शेविंग मशीन। ये शेविंग मशीन जब हम इसे पावर ऑन करते हैं तो साइड चेंज करने पे या इस्तेमाल करते दौरान जो है ये ऑफ हो जाती है। तो अभी हम इसे टेस्ट करेंगे और इसके बाद खोलेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी सबसे पहले हम इसकी कंघी उतारेंगे। कंघी इसकी उतारना बहुत ही आसान है। यहाँ ऊपर के हिस्सा से हमने इसे थोड़ा सा जोर लगा के दबाना है और इस तरह से ये पीछे की तरफ निकल जाती है। इसके बाद यहाँ पे किसी जगह कहीं भी पेच वगैरह नहीं लगे हुए, तो यहाँ लॉक बने होते हैं। इन लॉक को हम लॉक करेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। इस तरह से एक पेच इसका यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसे हम ओपन करेंगे। देखें, कुछ फॉल्ट जो हैं वो ज़ाहरी तौर पर नज़र भी आ जाते हैं। जिस तरह से ये इसका पॉजिटिव वाला पॉइंट जो है सेल का, ये यहाँ से रीसोल्ड होने वाला है। इसका कनेक्शन लूज़ है जिसकी वजह से ये मशीन ऑन ऑफ होती रहती थी। तो अभी हम काविया ऑन करेंगे और इसे यहाँ पे अच्छे तरीके से सोल्ड करेंगे। नेगेटिव पॉइंट को और पॉजिटिव दोनों पॉइंट को हम अच्छे तरीके से सोल्ड करके इसे दोबारा टेस्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये मशीन जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। काविया हमारा गर्म हो गया है, अभी इसे अच्छी तरह यहाँ पे सोल्ड करेंगे। इसके दूसरे पॉइंट को भी सोल्ड करेंगे। अभी इसे दोबारा फिटिंग करते हैं और इसके बाद टेस्ट करते हैं। मशीन हमारी फिट हो गई है, तो अभी इसे एक दफ़ा टेस्ट करते हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से मशीन हमारी जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो ये था बहुत ही आसान तरीका। जब कभी भी आपकी मशीन इस तरह से कोई मसला कर रही हो तो ज़ाहरी बात है कि उसमें लूजिंग वगैरह होगी, तो इस तरह से आप उसकी लूजिंग वगैरह जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।